हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज जो है हम हर्डमेनिया के बॉडी वॉल के बारे में पढ़ेंगे, जिसको बेसिकली हम यहाँ मेंटल भी बोलते हैं। ओके, सो हर्डमेनिया बॉडी वॉल के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हमने इनके बॉडी के डिविजन्स पढ़ लिया कि दो पार्ट में इनकी बॉडी डिवाइडेड है, बॉडी प्रॉपर एंड फुट रीजन। अब इसके बारे में हमने पूरा प्रॉपरली डिटेल में पढ़ लिया है। अब आगे जो टॉपिक आता है वो आता है आपका हर्डमेनिया का बॉडी वॉल। तो इसके बारे में चल थोड़ा सा जानते हैं, स्टार्ट करते हैं हम बॉडी वॉल ऑफ हर्डमेनिया, जिसको अपन मेंटल भी बोलते हैं। ओके, सो सबसे पहले तो इसका आप जानो कि इट इज प्रेजेंट इनसाइड टेस्ट। टेस्ट के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था कि टेस्ट किसको बोलते हैं। प्रेजेंट इनसाइड टेस्ट बोलने का मतलब कि टेस्ट वाला जो रीजन होगा उसके नीचे पाए जाएंगे, टेस्ट वाला जो रीजन होगा उसके नीचे पाए जाएंगे। इट सिक्रीट्स द टेस्ट, टेस्ट वाला जो पोर्शन है उसको सिक्रीट कौन करेगा? बॉडी वॉल। मतलब आपका बॉडी वॉल पहले से लेयर है, वो सिक्रीट करेगा आपके टेस्ट के लेयर को, हर्डमेनिया के। यहाँ पे बॉडी वॉल की लेयर ऑलरेडी मौजूद है और ये सिक्रीशन करेगी तब टेस्ट का निर्माण होगा। ओके, सो पहले से बॉडी वॉल प्रेजेंट होगा बट उसके बाद ये सिक्रीशन करेगी टेस्ट का, जिससे टेस्ट का निर्माण होगा। उसके आगे अपन देखते हैं कि मेंटल जो है, ये आपका जो बॉडी वॉल है वो टेस्ट के नीचे पाया जाता है और ब्रांचियल और एट्रियल एपर्चर से अटैच रहता है। प्रेजेंट बीनीथ टेस्ट एंड ओनली अटैच टू विथ ब्रांचियल एंड एट्रियल एपर्चर। ब्रांचियल और एट्रियल एपर्चर से अटैच रहता है, जहां पे ये फॉर्मेशन करता है ब्रांचियल और एट्रियल सिफोन्स का। इसी जगह पे ये ब्रांचियल और एट्रियल सिफोन्स का फॉर्मेशन करता है। इट फॉर्म्स ब्रांचियल एंड एट्रियल सिफोन्स। ओके, इसको राइट डाउन करते जाओ, साथ ही साथ इसको राइट डाउन कर लो कि ये टेस्ट के नीचे, टेस्ट के अंदर पाया जाएगा। टेस्ट का सिक्रीशन भी बॉडी वॉल ही करेगा, मेंटल ही करेगा, और ये जो है टेस्ट के नीचे पाया जाएगा, जहां पे ये किससे अटैच रहेगा? ब्रांचियल और एट्रियल एपर्चर से। और ब्रांचियल और एट्रियल एपर्चर से अटैच होके ये ब्रांचियल और एट्रियल सिफोन का निर्माण करेगा। ओके, ये चीज पता चल गई। ब्रांचियल एट्रियल एपर्चर क्या होता है ये आपको पता है, ओपनिंग्स होती है, और सिफोन्स क्या होते हैं? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो इन ओपनिंग्स पे प्रेजेंट रहेगा और जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो सिफोन्स के, उस पर उसका फॉर्मेशन करेगा। ओके, आगे अपन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इसको मैं मिटाता हूं। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं अपन, नेक्स्ट पॉइंट इज मेंटल encloses a large cavity hardmania में सिलोम नहीं पाया जाता है, डेवलप्ड फॉर्म में सिलोम नहीं पाया जाता है। वहां पे कैविटी कैसी पाई जाती है? एट्रियल कैविटी पाई जाती है। तो एट्रियल कैविटी की जो कवरिंग है, एट्रियल कैविटी कैविटी को जो ढक के रखता है या इनक्लोज करके रखता है, वो कौन होता है? बॉडी वॉल। बॉडी वॉल ही है जो एट्रियल कैविटी के ऊपर कवर चढ़ा के रखता है एक तरह से। ओके, उसके आगे अपन देखते हैं, नेक्स्ट इज
मेंटल जो है वहां पे एक आउटर लेयर होती है एक्टोडर्म की, मिडिल लेयर होती है मेसोडर्म की, और इनर लेयर होती है एंडोडर्म की। तो ये जो आपका मेंटल है ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक एक्टोडर्म जो कि आउटर पार्ट होगा, फर्स्ट इज एक्टोडर्म जो कि आउटर पार्ट है, सेकंड इज मेसोडर्म जो कि मिडिल है, एंड फाइनल इज एंडोडर्म जो कि इनर पार्ट है। एक्टोडर्म आउटर पार्ट, मेसोडर्म मिडिल पार्ट, एंडोडर्म इंटरनल पार्ट, इन तीनों के बारे में अपन पढ़ते हैं। ओके, आउटर एक्टोडर्म, आउटर मिडिल इनर। ओके, अब इनके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। एक्टोडर्म आउटर हो गया, मेसोडर्म मिडिल हो गया, एंडोडर्म इनर हो गया, ये तो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। फर्स्ट देखते हैं अपन आउटर एक्टोडर्म। फर्स्ट इज आउटर एक्टोडर्म। आउटर एक्टोडर्म की बात करें तो ये सबसे पहले तो बाहरी लेयर होगी, सबसे बाहरी लेयर, क्योंकि ये आउटर लेयर होती है। हाँ, इट इज फॉर्म्ड ऑफ अ सिंगल फ्लैट लेयर ऑफ हेक्सागोनल सेल्स। Formed from single layer of hexagonal cells. Hexagonal cells की single layer पाई जाएगी। Okay? Outer ectoderm, hexagonal cells. Hexagon क्या होता है पता है? छह कोणों वाला। तो hexagonal सेल्स होंगे, हेक्सागोनल शेप के सेल्स होंगे, वैसे सेल्स की एक परत होगी, वो होगा आपका आउटर एक्टोडर्म। उसके बाद अपन देखते हैं, इट टर्न्स इनसाइड एट पेरिकार्डियम द ब्रांचियल आर्टियल एपर्चर एक्सटेंड्स अप टू द बेस ऑफ द सिफोन्स। इट टर्न्स इनसाइड द पेरिकार्डियम। It turns inside the pericardium. Pericardium क्या होता है? Pericardium एक तरह से हार्ट के लिए कैविटी होती है, हार्ट के लिए कैविटी होती है। अगर ह्यूमंस की बात करें तो हार्ट की कैविटी होती है, और अगर यहाँ बात करें तो pericardium के अंदर पाया जाता है pericardial fluid. Pericardial fluid यहाँ पे पाया जाता है, जो एक तरह से इसका ब्लड होता है। पेरिकार्डियम में क्या पाया जाता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो एक तरह से ब्लड होता है हार्डमेनिया के केस में। ओके, सो इट टर्न्स इनसाइड द पेरिकार्डियम एंड इट एक्सटेंड्स अप टू द बेस ऑफ द सिफोन्स। एक्सटेंड अप टू बेस ऑफ सिफोन्स। पेरिकार्डियम की यहाँ पे ऊपर जो बात हुई है, तो इसको इस तरह समझो कि ये जो स्टार्ट होगा वो पेरिकार्डियम मतलब कि ब्रांचियल और एट्रियल एपर्चर जो है वहां से स्टार्ट होगा, और सिफोन का जो बेस है वहां तक जाएगा। ओके, सो स्टार्ट कहाँ से होगा? ब्रांचियल एट्रियल एपर्चर से, खत्म कहाँ होगा? बेस ऑफ सिफोन्स। ओके, आगे अपन चलते हैं, नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट इज इनर एक्टोडर्म, एंडोडर्म।
इफ यू टॉक अबाउट द सेकेंड लेयर, सेकेंड लेयर की बात करें तो है एंडोडर्म। ये जो है सिंगल लेयर ऑफ पॉलीगोनल सेल्स से बना होगा, फॉर्म फ्रॉम सिंगल लेयर ऑफ पॉलीगोनल सेल्स, फॉर्म्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ पॉलीगोनल सेल्स। पॉलीगोनल सेल्स के एक सिंगल सतह, एक सिंगल परत से ये बना होगा आपका एंडोडर्म। उसके आगे अपन देखते हैं, इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ एट्रियम, एट्रियम की लाइनिंग यही एंडोडर्म बनाएगा। एट्रियम क्या थी? इंटरनल कैविटी, उसकी लाइनिंग कौन बनाएगा, मतलब उसके ऊपर की जो लाइनिंग होगी वो कौन बनाएगा? एंडोडर्म बनाएगा। ओके, सो इट फॉर्म द इंटरनल लाइनिंग ऑफ द एट्रियम। अब फाइनल पे अपन चलते हैं, दैट इज मेसोडर्म, विच इज द मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी वॉल ऑफ हर्डमेनिया। थर्ड की बात करें, दैट इज मेसोडर्म। मेसोडर्म की अगर बात करें, सो इट लाइज बीनीथ द आउटर एक्टोडर्म, लाइज बीनीथ द एक्टोडर्म। एक्टो और एंडोडर्म के बीच में पाया जाएगा, इट लाइज बीनीथ, जस्ट नीचे एक्टोडर्म के। उसके आगे, इट इज कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, कंपोज्ड ऑफ किसके बने होंगे? कनेक्टिव टिश्यू। कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ट्रांसवर्स बाय मसल फाइबर्स, ट्रांसवर्स्ड बाय मसल, ट्रांसवर्स्ड बाय मसल फाइबर्स एंड ब्लड साइनसेस फाइबर्स, ब्लड साइनसेस एंड नर्व इंपल्सेस, नर्व फाइबर्स। किससे बना होगा? कनेक्टिव टिश्यू से। ट्रांसवर्स्ड बाय मतलब यहां पे होता है एक तरह से क्रॉस्ड बाय, इसको कौन सी चीजें क्रॉस करती है या किन चीजों से ये घिरा हुआ है। क्रॉस्ड बाय एक तरह से ट्रांसवर्स्ड बाय मसल फाइबर्स, ब्लड साइनसेस एंड नर्व फाइबर्स। ये होंगी आपके मेसोडर्म के साथ जो चीजें क्रॉस करती होंगी मेसोडर्म को। ओके, अब ये जो मसल फाइबर्स है, ये जो है वो अनस्ट्राइप्ड टाइप्स की है, अनस्ट्राइप्ड टाइप्स मतलब इनवॉलेंट्री, नॉट इन आवर कंट्रोल, नॉट इन आवर विल ऑफ कंट्रोल। दे आर अनस्ट्राइप्ड टाइप ऑफ मसल फाइबर्स, दे आर नॉट इन आवर कंट्रोल। ओके, अब यहां पे देखते हैं कि ये तीन सेट में अरेंज रहती है। मसल्स की हमेशा एक बात होती है कि वो किसी ना किसी पर्टिकुलर पैटर्न में सेट रहती है। तो इसको अपन देखते हैं कि ये जो मसल्स फाइबर है, ये जनरली तीन सेट में आपको क्या कहते हैं वहां पे मिलेंगी, अरेंज रहेंगी तीन सेट में। मसल फाइबर्स के बारे में अगर अपन देखें, मसल फाइबर्स इनके बारे में देखें तो यूजुअली अरेंज्ड इन थ्री सेट्स, अरेंज्ड इन थ्री सेट्स, तीन सेट में ये अरेंज रहेंगी मसल फाइबर्स जो होगा। एक तो जो है सबसे पहला अराउंड दी
ब्रांचियल एंड एट्रियल सिफोन अराउंड द ब्रांचियल एंड एट्रियल सिफोन्स द मेंटल हैज एन्यू मसल्स मेंटल हैज एन्यूलर मसल्स एन्यूलर मसल्स मतलब रिंग शेप्ड एन्यूलर मसल्स इन सेवरल रिंग्स एन्यूलर मसल्स मतलब रिंग शेप्ड मसल्स होंगी वो पाई जाएंगी ब्रांचियल और आर्ट्रियल सिफोन के अराउंड मतलब आजू बाजू ओके नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो ये एन्यूलर मसल्स हैं उनके बिलो उनके नीचे जो है पाई जाएंगी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स बिलो एन्यूलर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स आर प्रेजेंट एन्यूलर के नीचे क्या होगा लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स प्रेजेंट होगा जो कि ब्रांचियल और आइट्रियल एपर्चर से स्टार्ट होगा और बॉडी के मिडिल पार्ट का दोनों लाइनिंग है या दोनों छोर है उसको कवर करेगा स्टार्ट फ्रॉम ब्रांचियल एंड एट्रियल एपर्चर एंड गो अप टू मिडिल ऑफ द गो अप टू मिडिल ऑफ द बॉडी मिडिल ऑफ the body on each side annular muscles के नीचे longitudinal muscle पाया जाएगा ये जो longitudinal muscle है वो branchial और atrial aperture जहां होता है वहां से start होगा और जो hydmania का body है उसके जो दोनों side के portion है उसको cover करेगा side के portions को कवर करेगा ओके ये समझ में आ गया अब फाइनल पॉइंट है यहां पे कि ब्रांचियो आर्ट्रियल मसल्स फाउंड इन बिटवीन टू सिफोन्स ब्रांचियो आर्ट्रियल मसल्स आर फाउंड बिटवीन टू सिफोन्स ब्रांचियो आर्ट्रियल मसल्स पाए जाएंगे दो सिफोन्स के बीच में तो मसल फाइबर तीन सेट में अरेंज रहते हैं एक होता है ब्रांचियल आर्ट्रियल सिफोन के आजू बाजू अराउंड मेंटल हैज एन्यूलर मसल्स मतलब रिंग शेप्ड मसल्स होंगी दूसरा जो होता है एन्यूलर मसल्स के नीचे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स पाई जाती है जो कि ब्रांचियल आर्ट्रियल सिफोन से स्टार्ट ब्रांचियल आर्ट्रियल एपर्चर से स्टार्ट होती है जो हार्डमेनिया का बॉडी है उसके दोनों साइड को लाइन करती है और थर्ड है ब्रांचियो आर्ट्रियल मसल्स जो कि दोनों सिफोन्स के बीच में पाई जाती हैं ओके सो ये बेसिक था आपका बॉडी वॉल ऑफ हार्डमेनिया और इसके बारे में कुछ जानकारी आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी और ये वीडियो पसंद आया होगा सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ थैंक यू वेरी मच